27 अप्रैल 1891 को मणिपुर रियासत के कांगला दुर्ग पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। दरअसल 31 मार्च 1891 को अंग्रेजों ने मणिपुर रियासत से युद्ध की घोषणा की थी, जिसके बाद युवराज टिकेंद्रजीत सिंह ने अंग्रेज सेना का मुकाबला किया, लेकिन उनके पास सीमित साधन थे। आखिरकार अंग्रेज कांगला दुर्ग पर कब्जा करने में सफल रहे। फिर 23 मई को युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें और उनके साथी जनरल थंगल को 13 अगस्त 1891 को इम्फाल के खुले मैदान में फांसी दे दी थी। 1891 के इस एंग्लो मणिपुर युद्ध में मणिपुर के बहादुर लोगों ने औपनिवेशिक शक्तियों का प्रतिरोध जिस वीरता और साहस के साथ किया, वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। यही कारण है कि इस युद्ध में बलिदानी होने वाले राज्य के वीर नायकों को श्रद्धांजलि देने के लिए मणिपुर राज्य प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त के दिन देशभक्त दिवस मनाता है। वहीं बात करें कांगला दुर्ग की, तो कई दिनों तक यह दुर्ग सुरक्षा बलों की देखरेख में रहा। इस किले को कांगला किला पुरातत्व पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। बी टिकेंद्रजीत सिंह को सम्मानित करते हुए मणिपुर विधानसभा ने अगस्त 2019 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर तुलिहल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर बी टिकेंद्रजीत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया था। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। 27 अप्रैल 1960 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने नई दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज का उद्घाटन किया था। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति के लिए भारत का शीर्ष शिक्षण संस्थान है। इस कॉलेज के पहले कमांडेंट कुंवर बहादुर सिंह थे। 6 मई 1959 को कैबिनेट रक्षा समिति ने नेशनल डिफेंस कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद 15 सितंबर 1959 को तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इसे लेकर औपचारिक आदेश जारी किए थे। 27 अप्रैल 1912 को भारतीय अभिनेत्री जोहरा सहगल का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। जोहरा ने बतौर नृत्यांगना 1935 में करियर की शुरुआत की थी। 7 दशक तक हिंदी सिनेमा में अपना योगदान देने वाली जोहरा सहगल की अंतिम फिल्म 2007 में आई सांवरिया थी। 10 जुलाई 2014 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। जोहरा सहगल बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने हर दौर में सफलता हासिल की। पृथ्वीराज कपूर से लेकर उनके परिवार की चौथी पीढ़ी रणवीर कपूर तक उन्होंने सभी के साथ काम किया। जोहरा ने भाभी ऑन दी बीच, हम दिल दे चुके सनम, दिल से और चीनी कम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम करके अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। उन्हें संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री, कालिदास सम्मान, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया था। 27 अप्रैल 2005 को दुनिया के सबसे बड़े यात्री जहाज एयरबस A380 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। तब से अब तक ये जहाज 19 करोड़ से भी अधिक लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा चुका है। इस विमान में 469 यात्री एक साथ सफर कर सकते हैं। A380 ने अपनी पहली उड़ान फ्रांस के एक हवाई अड्डे से भरी थी। पायलट जैक्स रोजे और क्लाउड लीला ने विमान को उड़ाया था। इनके साथ क्रू में 4 अन्य सदस्य शामिल थे। 25 अक्टूबर 2007 को सिंगापुर एयरलाइंस ने पहली बार यात्री विमान के तौर पर A380 का इस्तेमाल किया था। A380 विमान सिंगापुर से सिडनी के लिए रवाना हुआ था, जिसे फ्लाइट नंबर SQ380 दिया गया था। A380 के साइज को देखते हुए इसे भारत में ऑपरेशन की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन 2014 में केंद्र सरकार ने देश के 4 बड़े एयरपोर्ट पर A380 को उतारने और उड़ान भरने की इजाजत दे दी थी। ये एयरपोर्ट थे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद। इसके बाद पहली बार 30 मई 2014 को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर A380 की लैंडिंग हुई थी। 27 अप्रैल को दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।
दरअसल आज ही के दिन यानी 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद की नीति से स्वतंत्रता हासिल की थी। दक्षिण अफ्रीका में पहला लोकतांत्रिक चुनाव 26 से 29 अप्रैल तक हुआ था। ये पहला चुनाव था जिसमें सभी जातियों के दक्षिण अफ्रीकी लोग मतदान कर सकते थे। देश के इतिहास में ये पहली बार था कि सभी मतदाताओं को समान नागरिक माना गया। 27 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में हुए चुनाव से बहुत कुछ बदल गया। पहली बार बिना रंगभेद के हुए चुनाव में नेल्सन मंडेला को जनता का खूब प्यार मिला। दक्षिण अफ्रीका की नवनिर्वाचित नेशनल असेंबली ने सबसे पहले किसी अश्वेत को अपना मुखिया चुना। फिर 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। वे 16 जून 1999 तक इस पद पर रहे थे। लंबी बीमारी के कारण 95 वर्ष की उम्र में 5 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया। आर्किडियप यूनिवर्सिटी। खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, फिर एक बार मोदी सरकार। 27 अप्रैल 1972 को अपोलो 16 सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आया था। अपोलो 16 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 16 अप्रैल 1972 को लॉन्च किया था। अपोलो 16 अमेरिका के अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में 10वां क्रू मिशन होने के साथ ही चंद्रमा पर उतरने वाला 5वां और अंतिम मिशन था। मिशन में कमांडर जॉन यंग, लूनार मॉड्यूल पायलट चार्ल्स ड्यूक और कमांड मॉड्यूल पायलट केन मैटिंगली शामिल थे। 16 अप्रैल 1972 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किए गए अपोलो 16 को चंद्रमा के रास्ते में कई छोटी मोटी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा था।